आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं वर्षा शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज का ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है, सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे धनी मंदिर के तहखानों में लेकर चलेंगे, जहां इतनी संपत्ति है जो भारत की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख सकती है, जहां चारों ओर गहरे रहस्य छिपे हुए हैं, जहां के खरबों के खजाने की रक्षा आज भी स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। ये मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, इतिहासकारों से लेकर प्रशासन और प्रबंधन तक ये मंदिर एक अहम मुद्दा रहा है, एक अहम फैसला रहा है, बरसों से शाही विवाद रहा है। तो चलिए इस मंदिर की संपत्ति का गुणा गणित करने, इस मंदिर के 7 तहखानों को टटोलने, आओ मंदिर चले। विश्व में मौजूद सबसे प्राचीन धर्मों और संस्कृति का सार भारत। हिंद महासागर के किनारे पर बसा दक्षिण का एक प्रांत केरल, वो राज्य जो देश का सबसे विकसित, सबसे शिक्षित और सबसे खूबसूरत राज्य है, और यहां स्थित है वो मंदिर जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के भीतर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को सफेद धोती और महिलाओं को सफेद साड़ी पहनना अनिवार्य है। ये मंदिर भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे धनी मंदिर है। दुनिया भर से लोग इस मंदिर की एक झलक पाने आते हैं। तो आखिर इस मंदिर की विशेषता क्या है? क्या ये मंदिर सोने का बना है? नहीं। क्या इसके भीतर कोई कीमती धातु की मूर्ति है? बेशक नहीं। तो आखिर इस मंदिर के पास ऐसा क्या है और कितनी मात्रा में है जो देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है? इस मंदिर में जितनी संपत्ति है उतनी ना ही आज तक के इतिहास में किसी मंदिर में देखी गई है और ना ही भविष्य में देखना मुमकिन है। आपको हैरानी होगी, लेकिन इस मंदिर के पास इतनी संपत्ति है कि हमारे देश के हर जिले में एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण करवाया जा सकता है। लगभग 14,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण यहाँ की संपत्ति से हो सकता है। यदि इस खजाने के ऐतिहासिक मूल्य को भारत की जनसंख्या में बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 20,000 अवश्य प्राप्त होंगे। इस मंदिर के पास इतनी संपत्ति है कि भारत सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे देश आराम से खरीद सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये बेहिसाब खजाना आखिर है कहां? किस गुप्त जगह ये खजाना आज भी सुरक्षित है? इस मंदिर की बेशुमार संपत्ति हैरान कर देने वाली है, कई सवाल खड़े कर देने वाली है। किसी देश के पास इतनी मात्रा में खजाना होना सामान्य नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि ये बहुमूल्य संपत्ति आखिर है कहाँ? क्या ये भारत सरकार के पास है या मंदिर के गर्भगृह में है? सवाल ये भी है कि ये मंदिर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर प्रशासन प्रबंधन के लिए अहम क्यों रहा है? इन सभी सवालों के जवाब इस मंदिर के कण कण में छुपे हैं।
मंदिर के केंद्र में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति के ठीक नीचे बने हुए गुप्त गर्भगृह में मौजूद है 7 तहखाने। इस मंदिर की संपत्ति इतनी अधिक मात्रा में होने के कारण सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के बेहिसाब खजाने का जायजा लेने के लिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी मांग थी कि इस मंदिर के खजाने को सार्वजनिक किया जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और इस मंदिर के तहखानों को खोलने की इजाजत दी। और जब यहां जांच के लिए टीम पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने वहां जो देखा वो शब्दों में शायद बयां भी नहीं किया जा सकता। वहां मौजूद थे 7 दरवाजे, जिसमें से 6 दरवाजों को खोला गया और जैसे ही वो तहखाने खुले, वहां हकीकत में धन, सोने चांदी और हीरे जवाहरात की बारिश हुई। सोने के धागों से बुने हुए वस्त्र, बहुमूल्य रत्न, सोने के बर्तन, आभूषण, जवाहरातों से सुसज्जित मुकुट, स्वर्ण निर्मित प्रतिमाएं, अमूल्यवान वस्तुएं वहां पाई गई। इस पूरे खजाने में मात्र सोने का वजन 1000 किलोग्राम से अधिक मापा गया। मूल्यांकन करने पर इसका भौतिक मूल्य 1,20,000 करोड़ मापा गया। लेकिन ये खजाना सैकड़ों साल पुराना है, इसीलिए ऐतिहासिक मूल्यांकन इससे 10 गुना अधिक माना जा सकता है, जो इसकी कीमत 12 खरब से 120 खरब कर देता है। 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा आज भी बंद है। इस दरवाजे को जिसने भी आज तक खोलने की कोशिश की है, उसने विनाश को आमंत्रण दिया है। ये दरवाजा शापित है। इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने वालों ने अपने जीवन से हाथ धो बैठा है। ये मंदिर बहुत खास है। कलयुग के पहले दिन हुआ स्थापित ये मंदिर जाना जाता है अपने 7वें तहखाने को लेकर, उस दरवाजे को लेकर जो लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या कोई ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली है। माना जाता है सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। इस दरवाजे पर 2 खौफनाक नागों की नक्काशी की गई है, जिसे देखकर किसी तबाही का आभास होता है। इसकी आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया है और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकता है। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक अगर हुई तो उच्चारण करने वाले की जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अनुमान ये भी है कि इस दरवाजे के पीछे इतनी दौलत है, इतनी संपत्ति है कि अगर वो देश के हाथ लगी तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व भर में वहां की संपत्ति शिखर पर पहुंचा सकती है। ये मंदिर केवल एक मंदिर नहीं लगता, रहस्यों का, धन का वो पिटारा दिखाई पड़ता है जहां आज भी अनगिनत सवाल मौजूद हैं। होना लाजमी भी है,
क्योंकि इतनी संपत्ति का सैकड़ों सालों से एक जगह पर होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि खरबों का खजाना आखिर किसने और कब यहाँ दफन किया? आखिर क्या है इस मंदिर, इस बेशुमार संपत्ति के पीछे छुपे राज? ऐतिहासिक पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि पद्मनाभ मंदिर केरल के इतिहास की जड़ें 8वीं सदी से संबंधित है। प्राचीन काल से ही ये मंदिर भगवान विष्णु के भक्तों का गढ़ माना जाता है। 1750 में त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक थे राजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से आसपास के कई क्षेत्रों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य को एक व्यवसाय क्षेत्र में प्रवर्तित कर दिया, जहां दूर दूर से लोग आयुर्वेदिक औषधियां, स्वादिष्ट मसाले, खासकर काले मिर्च खरीदने के लिए कीमती जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं लेकर भारत आते थे। मसालों के व्यापार से राज्य को काफी फायदा होता था। कुछ ही सालों में राजा मार्तंड वर्मा के पास इतनी अधिक संपत्ति इकट्ठा हो गई कि मंदिर के खजाने और वैभव की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। माना जाता है कि मार्तंड वर्मा ने पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उसे अपने खजाने की सुरक्षा को लेकर भय सताने लगा। 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने पद से मुक्त होकर शासन को देवीय स्वीकृति दिलाने के लिए अपना राज्य भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। स्वयं भगवान विष्णु का आजीवक सेवक खुद को घोषित कर दिया। सबसे पहले उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उसको जमीन के नीचे गुप्त द्वार बनवाकर एकत्रित कर दिया। फिर गुप्त स्थानों को आधार बनाते हुए इसके चारों तरफ एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर भगवान विष्णु के पद्मनाभ नामक मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई और भगवान विष्णु आज भी उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। इस मंदिर को चलाने का अधिकार 9 साल की तनातनी के बाद एक शाही परिवार को मिल गया, जो राजा मार्तंड वर्मा की 91वीं पीढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। उम्मीद करते हैं आपको यह एपिसोड और यह खास मंदिर बेहद पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी मंदिर के बारे में जानकारी चाहते हैं, वहां के रहस्यों का सच जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम अपने अगले एपिसोड में आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचा सकें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।